वहां पर कुछ हलचल बढ़ी है इस वक्त। सचिन शंभू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ बने हुए। सचिन, अभी कुछ अपडेट है क्या वहां पर? क्या कह रहे हैं किसान? जो पांचवी दौर की वार्ता का न्योता दिया है सरकार ने, उस पर कोई रिएक्शन? जी देखिए, किसान नेता अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इनविटेशन आया है उनके पास, उसके बाद किसान नेताओं ने कहा है कि वो आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है तय करेंगे। क्योंकि किसान नेताओं ने पहले भी कहा है कि किस मॉडेलिटीज क्या होंगी बातचीत की, किस इशू पे जो है कैसे बात करेंगे, एमएसपी का मुद्दा जो है उसमें क्या ऑफर करेगी सरकार, जो है वो मेन जो है इशू है। किसान नेता आपस में मीटिंग कर रहे हैं, यही जहां ये स्टेज है इससे थोड़ा दूर जो है किसान नेताओं की मीटिंग चली है अभी। और बाकी जो किसान नेता है वो जो अपने किसान है पंजाब से आए हुए, उनको जो है समझा रहे हैं कि वो जो है डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और माहौल जो है वो शांत रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा किसान जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा किसानों को मैनेज करना जो है वो भी अपने आप में जो है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो रेस्ट भी हो रहे हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जो हरियाणा की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो किसान नेता बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि वो शांत रहे। और दूसरी तरफ जो है किसान नेताओं की मीटिंग जो है वो चल रही है। तो ये शंभू बॉर्डर का माहौल है 11 बजे के करीब, यहाँ थोड़ा सा जो है आंसू गैस जो है वो इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था कि किसान जो है शंभू बॉर्डर तोड़ के हरियाणा की तरफ प्रवेश करेंगे। पर मीनवाइल उसी टाइम जो है पैरेलल मीटिंग जो है किसान नेताओं की पंजाब के कुछ अधिकारियों से चली थी। तो अब माहौल शांत है, किसान जो है पूरी तैयारी में है, हेलमेट्स हैं, गॉगल्स हैं और मास्क हैं, वो किसानों के पास अभी भी हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लीडरशिप की कॉल का, कि लीडरशिप कॉल ले और वो लोग आगे बढ़े। पर लीडरशिप ने क्योंकि साफ किया है पहले कि वो बातचीत से जो है भागने वाले नहीं है, बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी मांगों का हल जो है अगर बातचीत से होता है तो वो बातचीत करेंगे। जो तो अब बातचीत कब होगी, कहाँ होगी, जो है ये तमाम चीज़ें जो है किसान और किन मुद्दों पर होगी, एमएसपी को लेके, क्योंकि 5 फसलों पे एमएसपी को खरीदने का, 2 सेंट्रल कोऑपरेटिव जो हैं उनके जरिए खरीदने का ऑफर केंद्र सरकार ने पहले ही दिया था, पर किसानों ने सीधी मांग की है कि 23 की 23 फसलें जो हैं उनको एमएसपी पे खरीदने की कानूनी गारंटी जो है वो उन्हें चाहिए। और इसमें दूसरी बात है जो C2+50% का फॉर्मूला किसान चाह रहे हैं कि जो कृषि है उसको जो है, खेती को जो है प्रॉफिटेबल बनाया जाना चाहिए, लाभदायक जाना बनाया जाना चाहिए किसानों के लिए, इसलिए C2+50% का फॉर्मूला जो है वो लगाया जाना चाहिए एमएसपी को जो है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कुछ एक मांगे हैं, 3 मेजर डिमांड्स जो है जिनके ऊपर पेंच फंसा हुआ, 2 C2+50% एमएसपी और एग्रीकल्चर डेट वेवर जो है, किसानों की कर्जा मुक्ति जो है। किसान ये आर्ग्यू करते हैं, लॉजिक देते हैं कि कॉर्पोरेट के जो है जो राइट ऑफ किए जाते हैं लोन, तो किसानों को क्यों नहीं कर्जा मुक्ति जो है की जा सकती है। तो 3 प्रमुख बिंदु हैं जिनके ऊपर जो है चर्चा होगी मीटिंग में। अब देखना यही है कि किसान जो है अपना जो लॉजिक है उससे कैसे जो है सरकार को कन्विंस करते हैं, और क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये जो तनाव की स्थिति है वो बेशक टल गई है, पर क्योंकि रेस्टिव है बहुत सारे किसान यहाँ जो पहुंचे हैं, तो इसलिए स्थिति को ज्यादा देर नियंत्रण में रखना जो है वो जो है किसान नेताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। जो सामने आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर, स्टेज से किसान जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जोर शोर से अपील कर रहे हैं तमाम किसानों को कि वो जो है डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। ठीक है सचिन, वहाँ पर जो बड़े लीडर हैं किसानों के वो अपील ये कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी किसान हैं वो डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि क्या किसान वाकई में बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत कब होगी, कहाँ पर होगी, इसको लेकर मीटिंग से कोई बात निकल करके बाहर आएगी। सचिन आप रहे हमारे साथ, 12 से 2 पॉलिटिकल शो लगातार जारी है। ABP News आपको रखे आगे।